सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, मैं तुषार यूपी 78 से। तो यार आज मैं जाने वाला हूँ बाबा आनंदेश्वर धाम परमट। तो व्लॉग में बने रहे क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में अपनी हंटर 350 पे, तो देखते रहें। तो ये रही मेरी हंटर 350, अभी करते इसको फटाफट से स्टार्ट और पहुँचते अपने दोस्त के यहाँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाने वाला हूँ, मेरा दोस्त भी मेरे साथ जाने वाला है। तो अभी निकलते हैं और ये सामने से आ रहे हैं हरिओम, ये हमारे मित्र हैं। तो अभी गाड़ी ये ड्राइव करेंगे और मैं पीछे बैठूंगा। तो अभी हम निकलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिविल लाइन स्थित बाबा आनंदेश्वर धाम। तो अभी ये हंटर को पार्किंग में लगाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो पार्किंग अंदर की तरफ है, इसमें पीछे की तरफ तट के किनारे। तो अभी भाई यहाँ पे भंडारा चल रहा है, आप देख सकते हैं भाई लोग लाइन पे लगे हुए हैं, भंडारे वितरण का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं पहले, फिर आगे का ब्लॉक शुरू करते हैं यहाँ से। अभी हम आ गए हैं गंगा के तट के किनारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई बहुत अच्छी अच्छी नाव खड़ी हैं, आप इनकी सवारी भी कर सकते हैं। तो भाई कुछ इस तरह से व्यू है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से। तो भाई कुछ इस तरह से हमारा दिखता है बाबा आनंदेश्वर धाम। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। ऐसा माना जाता है कि बाबा आनंदेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दानवीर कर्ण गंगा स्नान के बाद महादेव बाबा का पूजन अर्चन किया करते थे और उसके बाद विलुप्त हो जाया करते थे। तो अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर किस तरह से है इस मंदिर का व्यू। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हरिओम और दिव्यांशु आगे आगे चल रहे हैं, मेरे दोस्त हैं। तो भाई शीर्ष नमन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम, भाई सब लोग घंटी बजा रहे हैं, मैं भी बजा लेता हूँ। तो भाई मैं बता दूं कि बाबा आनंदेश्वर धाम में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे बराबर ऐसी साफ़ सफाई धुलाई होती रहती है। और अभी हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई यहाँ पे फूल वगैरह की दुकानें लगी होती है पूजा पाठ करने के लिए, यहाँ से आप फूल माला वगैरह ले सकते हैं। ये क्या भाई मंदिर का दरवाज़ा तो अभी बंद है, अभी हम लोग जल्दी आ गए हैं शायद। तो अभी मंदिर का दरवाज़ा बंद है, अभी थोड़ी देर में खुलेगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे पास जा कर के भाई, तो लोग पहले से लाइन लगा रखती है यहाँ पे। ये क्या भाई इसके अंदर कुछ है शायद, पास दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये मूर्ति यार किसी बाबा की, मुझे लगा कोई अंदर बैठा हुआ है। तो भाई तो यहाँ पे भगवान महादेव के अलावा आपको अन्य भगवान भी विराजमान दिखेंगे। तो भाई आगे दिख रहा है श्री महालक्ष्मी प्रवेश द्वार, और ये देखिए यहाँ पे आपको बाबा शिव विराजमान दिखेंगे। और भाई यहाँ पे सभी भगवान अपनी अपनी जगह पर विराजमान है, आप देख सकते हैं। भाई आप जिस भी भगवान को मानते हैं तो यहाँ पर आ करके उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। भाई मेरी समझ से तो ईश्वर एक है। तो भाई अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं श्री महालक्ष्मी प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं भाई अंदर का व्यू किस तरह से है। भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, सावन और महाशिवरात्रि के समय भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने, और भाई सभी की मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है ऐसा माना जाता है। क्योंकि और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दानवीर कर्ण यहाँ पर गंगा स्नान के बाद भगवान महादेव का पूजन अर्चन किया करते थे और विलुप्त हो जाते थे, और दानवीर कर्ण पूजा करते हुए गाय हमेशा देखा करती थी। और ऐसा माना जाता है कि दानवीर कर्ण के विलुप्त होने के बाद वह गाय जाकर के अपना सारा दूध भगवान महादेव पर चढ़ा दिया करती थी। और यह सब देखकर गाँव वालों ने मिलकर यहाँ पर खुदाई कराना शुरू किया और कई दिन की लगातार खुदाई के बाद यहाँ पर शिवलिंग की प्राप्ति हुई ऐसा माना जाता है। फिर गाँव वालों ने मिलकर शिवलिंग को यहीं गंगा के किनारे स्थापित कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि आनंदी गाय के दूध चढ़ाने के कारण इस मंदिर का नाम आनंदेश्वर पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में महादेव का मंदिर एक टीले पर स्थापित था। करीब 3 एकड़ पर बने इस महादेव के मंदिर को इसके भक्त इसे छोटी काशी के नाम से पुकारते हैं। वर्षों से यहाँ पर हर दिन किसी न किसी शिव भक्त द्वारा मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। और भाई बात करूँ सावन के महीने की, तो भाई सावन के महीने में दूर देशों से यहाँ पर भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं, क्योंकि बाबा यहाँ पर सभी की मनोकामनाएँ पूरी करते हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, ये यहाँ से मंदिर के पीछे की तरफ जाते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे सभी जगह भाई अलग अलग भगवान विराजमान हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। और भाई सभी जगह पूजन अर्चन होता रहता है बराबर, आप देख सकते हैं। तो अभी हम आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं।
और यहाँ पे भाई दिख नहीं रहा अंदर पे, तो आगे चलते आपको दिखाते हैं। इस जगह भी पर्दे लगे हुए भाई, कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है उस बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ अच्छा सा, तो अभी आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं। तो भाई भगवान शनि के 108 नाम भाई मुझे नहीं पता था, मैंने भी देख लिया आज। तो भाई आप इसमें देख सकते हैं भगवान शनि के 108 नाम होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो कुछ इस तरह से भगवान शनि की मूर्ति रखी हुई अंदर आप देख सकते हैं, मंदिर के पीछे भी कुछ इस तरफ से है आप देख सकते हैं। तो भाई मुझे यहाँ पे एक ये लैब्राडोर भाई कुत्ता दिखा भाई, बहुत ही प्यारा है भाई, मतलब भौंक ही नहीं रहा था, काटने तो बिल्कुल आते ही नहीं जैसे इसे। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा इस कुत्ते से मिल करके। और मैं बता दूं कि आप मंदिर के पीछे की तरफ से, यहाँ से आप जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप गंगा बैराज देख सकते हैं। तो अभी हम फिर से लौट के आ गए हैं बाबा के दरबार में बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन भाई अभी दरवाज़ा नहीं खुला हुआ है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो अभी हम चलते हैं, सोच रहे पहले नाव की सवारी कर लेते हैं, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। भाई हेलमेट पकड़ो यार, डर लग रहा है यार। अबे भाई हमें खुद डर लग रहा है, दूसरे को क्या बोलना है। तो भाई ने अभी नाव को स्टार्ट कर दिया आगे बढ़ाना, अभी हमको दूसरे किनारे पे जाना है। रेसिंग हो रही लग रहा, रेस लगा ले यार। बैराज गंगा बैराज अभी मैं जैकेट पहन लो यार, बैठना हो तो जैकेट पहन लो। दस रुपए में एरोप्लेन ले क्या? वो अल्टो है या BMW है? मेंटेनेंस मांग रही है भाई, पैसा देना पड़ेगा। भाई ये हमको अच्छा लग रहा है, बगल बगल देखो हरी ओम, ये अच्छा लग रहा है पीछे सीन देखो इधर। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं दूसरे किनारे पे आप देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी नाव खड़ी हैं, ऊपर की तरफ मैगी पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई नदी के बीच में मैगी पॉइंट, भाई क्या सीन है यहाँ का भाई, मजा आ गया कतई बिल्कुल। अभी हम नाव से उतर चुके हैं इस तरफ है भाई मैगी पॉइंट नदी के इस तरफ, और अभी आपको दिखाता हूँ ये पीछे की तरफ जहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ पे है बाबा आनंदेश्वर धाम भाई, नदी के इस तरफ आ चुके हैं भाई। कम से कम 15 मिनट लगा यहाँ तक आने में। यहाँ पे मैगी वगैरह खा सकते हैं आप बैठ के, सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, टेबल चेयर्स पड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैगी नहीं खाएंगे। अभी हम निकलते वापसी, क्योंकि भाई हमें थोड़ा सा टाइम हो रहा था, हमें निकलना भी था घर। तो हरी ओम बैठ चुके हैं नाव पे वापस से, हम लोग सिर्फ भाई नदी के इस पार घूमने आए थे, ना मैगी खाई ना कुछ। तो अभी हम वापस निकलने वाले हैं यहाँ से, तो अभी हम नाव पे बैठ चुके हैं
अभी नाव को स्टार्ट करने वाले भैया का पता नहीं, तो इनको बुलाते अभी। तो नाव वाले भैया आ चुके हैं फाइनली। सो फाइनली हम लौट करके आ चुके हैं इस तरफ वापस। लेकिन भाई आज बाबा के दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा मजा आया। नाव की सवारी करके यहाँ का व्यू देख करके भाई बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।